का आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जींद से, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा जींद में कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर है 1270 कोविशील्ड 440 वैक्सीन, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और चोरी हो गई है, अलमारियों में रखी थी ये वैक्सीन जहां से चोरी की गई है। तो हरियाणा के जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जींद में कोरोना वैक्सीन की चोरी हुई है, पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी हो गई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त इस बीच बड़ी खबर आ रही है 440 को वैक्सीन की चोरी हुई है और लगातार अलमारियों के ताले, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं और वहां से इन वैक्सीन की चोरी की गई है। हरियाणा के जींद का मामला है ये, जहां से कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आ रहा है। पीपी सेंटर से ये 1710 कोरोना की वैक्सीन चोरी की गई है, 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन की चोरी हुई है, अलमारियों के ताले टूटे और फाइलें भी ले गए चोर। बड़ी खबर इस वक्त की कोवैक्सीन की, जिस तरीके से चोरी हुई है, वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिस तरीके से लगातार वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, लोग वैक्सीन के लिए मारामारी कर रहे हैं और उसी दरमियान ये हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के जींद से, जहां पर वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है। अलमारियों के ताले टूटे और चोर फाइलें भी लेकर के फरार हो गए हैं और ये मामला हरियाणा के जींद का है, जहां पर कोरोना के वैक्सीन के चोरी होने का मामला सामने आया है और पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी हुई है। तो 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन की चोरी हुई है, अलमारियों के ताले भी टूटे और फाइलें भी चोर अपने साथ ले गए हैं। तो हरियाणा से जींद से इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी खबर पर हमारी सहयोगी पल्लवी राजपूत जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। पल्लवी, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की मारामारी चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मुहैया कराई जा रही है वैक्सीन, लेकिन उस बीच हरियाणा के जींद से ये जो खबर आ रही है कि लगातार हरियाणा के जींद में ये वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है, किस नजरिए से इसे देखना चाहिए? हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के जींद जिले में चोरी का ये एक अनोखा मामला सामने आया है। ये चोरी जींद के सरकारी अस्पताल में हुई है। चोरों ने यहाँ अस्पताल के स्टोर रूम में मौजूद कोरोना वैक्सीन को निशाना बना लिया। चोर सामान्य अस्पताल से कोरोना वैक्सीन ही चुरा कर ले गए हैं। अब जींद जिले में वैक्सीन की एक भी डोज नहीं बची है, जो कि चिंता का विषय है। चोरों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की चोरी की है। ये जानकारी मिल रही है कि अस्पताल के स्टोर रूम में ये वैक्सीन रखी हुई थी, 1710 डोज यहाँ से चोरी कर ली है चोरों ने। चोर स्टोर रूम के ताले को तोड़कर वैक्सीन चुरा ले गए। चोरों ने स्टोर रूम में रखी बाकी किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाया है। बड़ी जानकारी यह है कि जहां पे वैक्सीन की डोज रखी हुई थी, वहां पर फाइलों के साथ 50,000 रुपए नकदी भी रखी हुई थी। चोरों ने 50,000 की नकदी को भी हाथ नहीं लगाया। अन्य सामान जस का तस बना हुआ है, लेकिन सारी जो वहां पर कोरोना की वैक्सीन रखी थी वो चोर चुरा कर ले गए हैं। और ये हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि हरियाणा में भी अब कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बुधवार को यहाँ 9,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं, वहीं 45 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। जिस तरीके से हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच जाएगा। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद ही राज्य में 3,928 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3,81,257 तक पहुंच गया है। अब जो ये बात अब सामने निकल कर आ रही है कि वैक्सीन की इतनी कमी होने लगी है कि अब इनकी चोरी जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, ये वाकई में चिंता की बात है। इससे पहले ही हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें योगेश, एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये साफ किया था कि ऑक्सीजन टैंकर अब जितने भी राज्य में आएंगे उनके साथ हरियाणा की पुलिस चलेगी, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिगत ये बड़ा फैसला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से लिया गया है। अब आज जींद से जो ये मामला सामने आया है, इसको देखकर लग रहा है कि अब वैक्सीन की सुरक्षा के लिए भी पुलिस की तैनाती करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के लिए तो वैसे ही पुलिस को तैनात करने का फैसला सरकार ने ले लिया है,
वैक्सीन भी अब चोरी होने लगी है, चिंता की बात है। अब देखना यही रहेगा कि सरकार और जींद प्रशासन इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाते हैं, चूंकि वहां पर सीसीटीवी। आपको जानकारी देने के लिए, तो लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, और इस वक्त इस बीच की बड़ी खबर ये आई है जहां से वैक्सीन चोरी होने का मामला हरियाणा के जींद से आया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।